ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। ये ड्रोन के सहारे इससे आपको समझ में आएगा कि दिल्ली के कौन कौन से इलाके वो हैं जो इस वक्त जलमग्न हैं। ड्रोन के सहारे आपको समझ में आएगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी विकट स्थिति है अरविंद केजरीवाल का। हालांकि ट्वीट ज़रूर सामने आया है, मैं पंकज के पास चलूँगी, लेकिन यहाँ ये मेन रोड है सिविल लाइन्स का और यहाँ से कई लोग गुजर रहे हैं। एक ऑटो वाले गुजरे हैं यहाँ से जो बता रहे हैं अपनी आप बीती कि कितनी ज़्यादा परेशानी है। आप किस तरफ जा रहे हैं? मैं कश्मीर गेट जा रहा हूँ, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, ना बसें आ रही ना ट्रेन आ रही। तो अभी पानी, आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं कहाँ कहाँ पानी भरा? पानी हर जगह, पानी सब डूबा हुआ है। तो कश्मीरी गेट भी पानी है? पूरा पानी है, सब बंद कर लॉन्ग साइड जाने पर मजबूरी। मदद नहीं पहुँची आप तक? कुछ नहीं पहुँचा, सिर्फ गुरुद्वारे वाले जो मदद कर रहे हैं, रोटी पानी दे रहे हैं, बाकी सरकार से कोई नहीं है। नहीं, एनडीआरएफ मदद के लिए नहीं पहुंची? कहीं नहीं है, गुरुद्वारे से रोटी खा के आ रहे हैं। आपका परिवार कहाँ है अभी? मेरा घर बैठा है, क्या करें, काम पहुँचा रहते हैं आप? मैं जवाहरनगर लोनी बॉर्डर, सब डूबा पड़ा है आगे पीछे। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं और अभी लोगों तक मदद पहुंचनी बाकी। सबसे बड़ी समस्या खाने की है, पीने की है लोगों के लिए जो मुसीबत का सामना कर रहे हैं। पंकज झा के पास जल्दी से चलते हैं, मैं आऊँगी। कुछ और लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, पुलिस भी निगरानी कर रही है। पंकज, बताया जा रहा है राजघाट से जो ड्रोन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो इलाका पूरी तरह से डूबा हुआ है। ये सबसे हाई प्रोफाइल इलाका है और ये अगर डूब जाता है तो दिल्ली की हालत समझी जा सकती है कि इस वक्त आपातकाल वाली स्थिति है दिल्ली में मौसम को लेकर। जी हाँ बिल्कुल, जिस वक्त जिस सड़क पे और जिस जगह पर हम अगर कहें तो हर दिन यहाँ भीड़ लगी रहती थी। उस इलाके की हालत देखिए ना, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ, सिर्फ हम लोग दो चार पत्रकार ही होंगे, पुलिस वाले हैं। पूरा इलाका, ये जो राजघाट का परिसर जो है वो तो पूरा पानी में डूबा हुआ है, बिल्कुल एकदम। और जो सड़कें यहाँ तक पहुँचती हैं, जी आवाज आ रही थी? जी 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 पंकज बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो वहां तक पहुंचने वाली जितनी भी सड़कें हैं उन सब का भी हाल वही है कि उनमें भी पूरा एकदम कमर तक पानी लगा हुआ है। बिल्कुल पंकज, आप बता रहे हैं कि किस तरह कमर तक पानी भरा हुआ है। अंजलि जहां पर है वो लाल किले का इलाका है, वहां बोट्स चल रही है, नावें चल रही हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। अंजलि, ओवर टू यू। अंजलि से संपर्क टूटा है, एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। देखिए, जो इलाके हम आपको इस वक्त बता रहे हैं वो इलाके इस वक्त डेंजर जोन में हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ज़रूर अश्योर कर रहे हैं, दिल्ली के मुखिया अश्योर कर रहे हैं कि अभी पानी कम हुआ है, यमुना का स्तर भी कम हुआ है। गुरुवार को और शुक्रवार को जो यमुना का स्तर था वो शनिवार को कम हुआ है। बताया जा रहा है शुक्रवार को 208 मीटर पर था तो अब 207 मीटर पर आ गया यमुना का स्तर। ये राहत की बात है, लेकिन पानी निकासी बहुत बड़ी समस्या है और इसी पानी की वजह से बीमारियां भी पनपेंगी क्योंकि ये गंदा पानी है, नाले का पानी है। अभिजीत की एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं जो कि बता रहे हैं कि कहां-कहां इस वक्त पानी भरा हुआ है। अभिजीत की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आई यमुना की बाढ़ ने किसी जगह को नहीं छोड़ा, चाहे वो पॉश कॉलोनियां हो, चाहे गरीबों की झुग्गियां, तमाम जगह जलमग्न हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई मंदिर भी हैं जिनको भारी नुकसान पहुंचा है दिल्ली की इस बाढ़ में। इस वक्त मैं ऐसे ही एक मंदिर में खड़ा हूं। ये दिल्ली का विजय घाट इलाका है जो कि आप कश्मीरी गेट से जब आईटीओ की तरफ बढ़ते हैं तो ये जगह आती है और प्राचीन मंदिर है। सन 1942 से भी पहले से ये स्थान यहाँ पर मौजूद है और सामने जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये प्राचीन हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं सामने, हम कहेंगे कि गेट के पास सबसे पहले आप दिखाएं कि इतना पानी भर चुका है कि यहाँ पर अगर आप जाएंगे, ये लगभग जो छत की जो हाइट है यहाँ पर वो 11 फुट है। 11 फुट में अगर आप बाहर का हिस्सा देखें तो लगभग 3 फुट हिस्सा बचा है, यानी कि 8 फुट तक यहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा हुआ है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पर एक बड़ी सी मूर्ति भी है हनुमान जी की, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए जो यहाँ नीचे आप देख रहे हैं ये पानी जो जमा हुआ है ये भी उसी स्तर में है। यानी कि अगर मेरी हाइट जो है वो 6 फुट है तो अगर मैं इसमें जाने की कोशिश करूं तो पूरा का पूरा पानी के अंदर आप समा जाएंगे। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि यज्ञशाला भी थी
और गौशाला भी थी। यज्ञशाला और गौशाला को भी भारी नुकसान पहुंचा है, पूरी तरह से अभी जलमग्न है। यहां से पशुओं को निकाल कर कहीं और शिफ्ट किया गया। और जो यज्ञशाला थी, आप सामने अगर जूम करके दिखाएंगे तो देख सकते हैं कि तमाम वहां पर सामान जो रखे हुए थे वो अभी आपको पानी में तैरते हुए दिखाई देंगे। यानी अचानक से जब यहाँ पर पानी भरा होगा तो शायद सामान निकालने का समय ना मिला हो।